जब पर्यावरण साफ रहता है, आसपास गंदगी नहीं रहती, तो इसका सीधा और सकारात्मक असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। मैं योगी जी की सरकार की प्रशंसा करूंगा कि वो स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। ये उनकी सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है और जिसका अभी विस्तार से ब्यौरा योगी जी ने दिया। मस्तिष्क के ज्वर के कारण, उस बुखार के कारण, और पार्लियामेंट का कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था जब योगी जी जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, इस मुद्दे पर दर्दनाक कथा सुना करके देश को जगाने की कोशिश करते थे। हजारों बच्चे मरते रहते थे। जब योगी जी की सरकार बनी, अभी तो शुरुआत थी, लेकिन उसी मौत को लेकर के जिस योगी जी ने जिस बीमारी के खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट को जगाया, देश को जगाया, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुपों ने उस सारे हादसे को, पुरानी बातों को भुला करके उन्हीं के माथे पर मढ़ दिया। लेकिन योगी जी डिगे नहीं, डरे नहीं। जिस मुद्दे को लेकर के 30-40 साल से वो लगातार काम कर रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और अभी जो आंकड़े दे रहे थे, वो आंकड़े मैं नहीं जानता हूं मीडिया के ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन देश को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से जिस गंभीर बीमारी जिसका मूल कारण गंदगी, और हमने हमारे हजारों बच्चे खो दिए, काफी मात्रा में सफलता के साथ योगी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं उन्हें इस मानवता के पवित्र कार्य में स्वच्छता को बल देकर के बच्चों की जिंदगी बचाई है, इसके लिए इसमें जुड़े हुए सब किसी को, नागरिकों को, परिवारों को, संस्थाओं को, सरकार को, हर किसी को बधाई देता हूं और एक प्रकार से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और विषय है, जल संकट। और जल संकट का उपाय है जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत जल संरक्षण और हर घर जल पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव में रहने वाले लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, हमारी माताओं बहनों को सुविधा मिलेगी। पानी पर खर्च कम होने का सीधा मतलब है कि उनकी बचत भी बढ़ेगी।